हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। बीएमसी के सारे लेक्चर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मोल्टार। मोल्टार जो होता है वो पेस्ट होता है एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का इन द मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। जो सीमेंट और लाइम होते हैं इनको बाइंडिंग मटेरियल कहते हैं। तो बाइंडिंग मटेरियल चाहे आप सीमेंट यूज़ कर दें या लाइम यूज़ कर लीजिए, एंड एग्रीगेट्स जो फाइन एग्रीगेट्स होते हैं आप उनको यूज़ करते हैं लाइक सैंड। तो मोर्टार क्या है? सीमेंट या लाइम और सैंड एंड वाटर का जो मिक्सचर होता है वो मोर्टार कहलाता है। देख लीजिए, द टर्म मोर्टार इज़ यूज टू डिस्क्राइब द पेस्ट ऑब्टेन्ड बाय एडिशन ऑफ वाटर इन द मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल लाइक सीमेंट और लाइम एंड एग्रीगेट्स लाइक सैंड। तो जो बाइंडिंग मटेरियल होता है जो कि सीमेंट या लाइम है, इसको आप मोर्टार बनाने के लिए यूज़ करते हैं, इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्लियर है? और जो एग्रीगेट मीन्स जो फाइन एग्रीगेट आप यूज़ कर रहे हैं मोर्टार बनाने के लिए, उसको क्या कहते हैं? एडल्ट्रेंट भी यूज़ करते हैं वर्ड। देख लेते हैं क्वालिटीज़ ऑफ सैंड टू बी यूज इन मोर्टार। आप सीमेंट बाइंडिंग मटेरियल पढ़ चुके हैं, सीमेंट को भी प्रॉपर्टी आपको पता है कैसी होनी चाहिए, लाइम भी पता है, वाटर तो है ही, बट एग्रीगेट्स जो आप सैंड यूज़ कर रहे हैं उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो कि आप मोर्टार में यूज़ कर सकें। तो पहली क्वालिटी ये है कि इट शुड बी फ्री फ्रॉम प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड वेजिटेटिव मैटर। ये ऑर्गेनिक और वेजिटेटिव मैटर से फ्री होना चाहिए, कोई भी इसमें ऑर्गेनिक और वेजिटेटिव मैटर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ऑर्गेनिक और वेजिटेटिव मैटर प्रेजेंट रह गया तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो जाएंगे? डिकम्पोज हो जाएंगे। जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये वेजिटेटिव और ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होंगे तो क्या इंड्यूस करेंगे? गैसेस इंड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से इसको बाहर निकलने के लिए पोर्स बनाने पड़ेंगे जिससे क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। इसीलिए जो सैंड यूज़ कर रहे हैं उसमें ये मैटर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। इट शुड बी केमिकली इनर्ट। ये केमिकली इनर्ट होने चाहिए, इसका मतलब है कि बाहर से कोई भी केमिकल आकर इस पर अटैक ना कर पाए। ये केमिकली इनर्ट इतने होने चाहिए सफिशिएंटली। इट शुड नॉट कंसिस्ट ऑफ केमिकल सॉल्ट्स। ये केमिकल सॉल्ट इसमें नहीं होना चाहिए जो एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को एटमॉस्फेयर से। पहली बात तो केमिकली इनर्ट होने चाहिए, मीन्स बाहर से कोई भी केमिकल अटैक ना कर पाए, और इसके अंदर खुद में केमिकल सॉल्ट्स नहीं प्रेजेंट होने चाहिए। अगर केमिकल सॉल्ट प्रेजेंट रह गए तो ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेंगे एटमॉस्फेयर से, और फाइनली क्या होगा? एफ्लोरसेंस एंड स्टेनिंग की प्रॉपर्टी डेवलप करेंगे। क्लियर है? तो एफ्लोरसेंस एंड स्टेनिंग की प्रॉपर्टी आ जाएगी, वाइट ग्रे स्पॉट्स डेवलप हो जाएंगे, इसीलिए इसके अंदर कोई भी केमिकल सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वेल ग्रेडेड होने चाहिए, हर साइज के पार्टिकल इसमें प्रेजेंट होने चाहिए सैंड में। नेक्स्ट देख लीजिए, फंक्शंस क्या होने चाहिए सैंड के मोर्टार में, यानी मोर्टार को आप यूज़ ही वो मोर्टार में सैंड को आप यूज़ ही क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहला फंक्शन तो है बल्क, यानी वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए, कि जो सैंड है मोर्टार में वो स्ट्रेंथ नहीं देता है लेकिन क्या करता है? वॉल्यूम बढ़ा देता है, जिसकी वजह से मोर्टार आपका इकोनॉमिकल हो जाता है। अगर खाली सीमेंट यूज़ करेंगे बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, आप वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ओवरऑल क्या करते हैं? इसमें सैंड भी मिक्स करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेंथ। तो सैंड जो है वो स्ट्रेंथ को बढ़ाता है या स्ट्रेंथ को नहीं चेंज करता है, मीन्स इसका काम है ये स्ट्रेंथ इम्पार्ट नहीं करता लेकिन ये स्ट्रेंथ को एडजस्ट करता है। क्लियर है? मोर्टार की स्ट्रेंथ को एडजस्ट करता है, जो कि अचीव किया जा सकता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट्स प्रपोर्शन इन मोर्टार। मीन्स अगर आप सैंड को जो है सैंड को यूज़ करें, सपोज एक सीमेंट और सैंड का अगर आप रेशियो लें 1:2 लें, और दूसरा जो है सीमेंट सैंड का अगर आप रेशियो लेते हैं 2:3, सपोज ये रेशियो लिया, तो आपने क्या किया? आपने देखा कि इसमें जो है सैंड, सपोज आप ऐसे ले लो कि आपने सीमेंट और सैंड का जो रेशियो है सैंड को कांस्टेंट रखा, तो एक में तो 2:1 ले लिया और दूसरे में 3:1 लिया। क्लियर है? तो सैंड आपने देखी कांस्टेंट है, आपने क्या किया कि सैंड
यूज़ करने से ओवरऑल ये जो मिक्सचर होगा मोर्टार का होगा सीमेंट और सैंड का, तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें सीमेंट जो है 2 पार्ट है और सैंड 1 पार्ट है, क्लियर है। तो ओवरऑल जो मोर्टार है जिसमें सैंड कितनी है 1/3 पार्ट है और ओवरऑल सीमेंट है 2/3, तो ओवरऑल इसकी जो स्ट्रेंथ बनेगी अगर आप ये रेशियो लेंगे 3:1, तो इसमें सैंड भी 1 पार्टी है बट आपने सीमेंट क्या किया थोड़ा बढ़ा दिया, तो ओवरऑल इस मिक्सचर की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और इस मोर्टार की स्ट्रेंथ थोड़ी कम रहेगी, क्लियर है। तो इसका काम क्या है, स्ट्रेंथ ओवरऑल सीमेंट ही दे रहा है बट सैंड को यूज़ करने से सैंड क्या कर रहा है इसकी स्ट्रेंथ को एडजस्ट कर ले रहा है, जिससे कि इसका प्रपोर्शन इंक्रीज या डिक्रीज करने से। दूसरी तरीके से आप ये देख सकते हैं कि सीमेंट तो आपने कॉन्स्टेंट सपोज कर दिया, सैंड का रेशियो 1:2 लिया और दूसरा रेशियो आपने 1:3 लिया, यानी कि अगर इस मोर्टार की बात करें तो इसमें सीमेंट तो 1 पार्ट है और इस मोर्टार में भी सीमेंट 1 पार्ट है, लेकिन इसमें आपने सैंड बढ़ा दिया 2 पार्ट कर दिया और इसमें सैंड इससे ज़्यादा बढ़ा दिया यानी 3 पार्ट कर दिया, तो ओवरऑल किस मोर्टार की स्ट्रेंथ कम होगी, इस वाले मोर्टार की स्ट्रेंथ कम होगी क्योंकि इसमें आपने सैंड बढ़ा दिया उसके कंपैरेटिवली सीमेंट थोड़ा कम हो गया और सीमेंट स्ट्रेंथ दे रहा है इस मोर्टार में, तो ओवरऑल इस मोर्टार की स्ट्रेंथ क्या हो गई कम हो गई क्योंकि इसके प्रपोर्शन में सैंड थोड़ी ज़्यादा है, बट इसमें इस सीमेंट के प्रपोर्शन में सैंड 2 पार्ट है, यानी कि इस मोर्टार से अगर कंपेयर करें तो इस मोर्टार में स्ट्रेंथ क्या होगी ज़्यादा होगी। तो ओवरऑल सैंड क्या कर रहा है स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी नहीं दे रहा, स्ट्रेंथ बढ़ा नहीं रहा है बट स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है एडजस्ट कर रहा है। एडजस्ट कैसे कर रहा है कि अगर आप सीमेंट सैंड को डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग प्रपोर्शन में डाल दें, किसी में कम किसी में ज़्यादा यूज़ कर लें, तो ओवरऑल मोर्टार की स्ट्रेंथ क्या होगी चेंज हो जाएगी, क्लियर है। सरफेस एरिया, सैंड क्या करता है सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, सब डिवाइड्स द बेस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, जो बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट या लाइम कुछ भी यूज़ कर रहे हैं उसके बेस को क्या करता है डिवाइड कर देता है नंबर ऑफ लेयर्स में, देयर बाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ओवर विच मोर्टार कैन बी स्प्रेड और एडियर्ड, जिस पर स्प्रेड करनी है उसका सरफेस एरिया क्या करेगा बढ़ा देगा। खाली सीमेंट यूज़ करेंगे तो कम प्रपोर्शन में होगा, सरफेस सैंड मिक्स कर दी तो इसने क्या किया कि बाइंडिंग मटेरियल के साथ मिक्स हो गया और ओवरऑल सरफेस एरिया क्या किया बढ़ा दिया और सीमेंट को क्या किया सीमेंट या लाइम जो भी बाइंडिंग मटेरियल है उसको सब डिवाइड कर दिया, क्लियर है। तो ओवरऑल जो सरफेस एरिया होता है वो सैंड की वजह से क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। श्रिंकेज क्या होता है कि सैंड अगर मोर्टार में यूज़ कर रहे हैं तो ये क्या करता है श्रिंकेज की प्रॉपर्टी को रिड्यूस कर देता है ड्यूरिंग दी सेटिंग प्रोसेस, सेटिंग प्रोसेस के टाइम पे, जिससे कि प्रिवेंट कर सकते हैं आप प्रिवेंट कर सकते हैं क्रैकिंग को और स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कि मोर्टार की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, गुड मोर्टार की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। तो मोर्टार शुड नॉट अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन यूनिट, किसी भी कंस्ट्रक्शन यूनिट की ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट नहीं करना चाहिए जो कि इसके कॉन्टैक्ट में आ रही है। कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसके कॉन्टैक्ट में, सपोज़ एक वॉल बना रहे हैं उसके कॉन्टैक्ट में कोई और वॉल है, तो ऐसा ना हो कि अपनी तो ड्यूरेबिलिटी मेंटेन रखे बट जिसके कॉन्टैक्ट में उसकी ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट कर दे, वो जितने टाइम तक चल सकता है वो उतने टाइम तक ही चले, क्लियर है। इट शुड बी कैपेबल ऑफ रजिस्टिंग द पेनिट्रेशन, इट शुड बी कैपेबल ऑफ रजिस्टिंग द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर टू द स्ट्रक्चर, इट शुड ऑफर हायर वाटर टाइटनेस, मीन्स क्या हो कि वाटर का पेनिट्रेशन ना हो पाए मोर्टार के अंदर, मोर्टार ऐसा होना चाहिए यानी उसको रजिस्ट कर ले, ऑफर हायर वाटर टाइटनेस, परमेबिलिटी इतनी कम होनी चाहिए कि उसमें वो वाटर टाइट स्ट्रक्चर हो, उसके अंदर वाटर पेनिट्रेट ना कर पाए। इट शुड बी कैपेबल ऑफ डेवलपिंग द डिज़ाइन स्ट्रेसेस, इतना मोर्टार होना चाहिए कि वो डिज़ाइन स्ट्रेसेस जो भी रिक्वायर्ड हैं उसको डेवलप कर सके। इट शुड बी चीप ड्यूरेबल एंड ईजिली वर्केबल, इतना होना चाहिए सस्ता होना चाहिए टिकाऊ होना चाहिए और ईजिली आप उसके साथ काम कर सकें, तो गुड मोर्टार की क्वालिटीज ये होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ मोर्टार डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, जब जैसे कि आप पॉइंटिंग वर्क के लिए यूज कर रहे हैं, पॉइंटिंग वर्क होता है कोई भी क्रैक्स वगैरह हो गए उसको फिल करने के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो सीमेंट मोर्टार का रेशियो कितना लेंगे 1:1, मीन सीमेंट 1 पार्ट और सैंड 1 पार्ट। DPC के लिए डैम प्रूफ कोर्स जो आप प्रोवाइड करते हैं फ्लोर पे, जिससे कि कोई भी मॉइस्चर ना आ पाए, तो उसके लिए अगर आप सीमेंट मोर्टार का रेशियो देखें तो 1:2, सीमेंट 1 पार्ट और सैंड 2 पार्ट।
कंक्रीट पेवमेंट के लिए यूज़ करते हैं 1:2 ले लेते हैं, प्लास्टरिंग के लिए 1:3 यानी सीमेंट का रेशियो 1, सीमेंट 1 पार्ट और सैंड 3 पार्ट। वही अगर लाइम मोर्टार लेंगे तो आप जानते हैं सीमेंट जो है ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है, कंपैरेटिवली लाइम कम स्ट्रेंथ देता है। तो ओवरऑल क्या होगा कि आपने क्या किया, सैंड को लाइम जो है थोड़ा उतना ही पोर्शन रखा बट सैंड को थोड़ा कम कर दिया, जिससे ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या होगी इसके इक्वल हो गई। क्लियर है? इसमें क्या रेशियो रहेगा लाइम और सैंड का। वही सुपर स्ट्रक्चर को अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो 1:3 रख लेते हैं, वही लाइम मोर्टार 1:2 का। फाउंडेशन में अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो फाउंडेशन बनाने के लिए 1:6 रख लेते हैं, लाइम मोर्टार का रेशियो 1:3। नेक्स्ट टॉपिक आता है पेंट्स। पेंट्स क्या होता है कि ये लिक्विड या गम कंपोजिशन होता है और या फ्लूइड मटेरियल, एक चिपचिपा कंपोजिशन कहलाता है जो आफ्टर एप्लीकेशन टू अ सबस्ट्रेट इन थिन लेयर, किसी भी थिन लेयर में जब अप्लाई करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड फिल्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये पेंट है। पेंट का यूज़ क्यों करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी मेटल है, टिम्बर है या प्लास्टर्ड सर्फेसेस हैं फ्रॉम दी कोरोसिव इफेक्ट्स ऑफ वेदर, हीट, मॉइस्चर और गैसेस एक्सेट्रा। यानी कि जो वेदर, हीट, मॉइस्चर और गैसेस का जो इफेक्ट आता है उसको, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए मेटल, टिम्बर और प्लास्टर सर्फेसेस को आप पेंट से, पेंट का यूज़ करते हैं। क्लियर है? और या फिर आप ये कह सकते हो एंड टू इम्प्रूव देयर अपियरेंस, अपियरेंस भी दिखानी है आपको, अच्छा कलर लिखे, लुकिंग वाइज अच्छा लगे, तो आप पेंट को यूज़ करते हैं और प्रोटेक्ट करने के लिए भी सरफेस को यूज़ करते हैं। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं ऑयल बेस्ड पेंट के, ऑयल बॉर्न पेंट्स के, जैसे कि बेस हो गया, व्हीकल और करियर हो गया, ड्रायर है, कलरिंग पिगमेंट है एंड सॉल्वेंट। तो ये जो है ये इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं या इनके जो है कंपोजिशन होते हैं जिनको आप पेंट जब बनाते हैं, पेंट यूज़ करते हैं, तो ये कंपोजिशन का यूज़ आप करते हैं। जैसे कि पहला जो है बेस है, बेस क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस है इन अ फाइन स्टेट ऑफ डिवीजन, बहुत ही ज़्यादा फाइन है, जो क्या काम करता है, इट फॉर्म्स द बल्क ऑफ ए पेंट। पेंट को जब वॉल्यूम पेंट का बढ़ाना होता है यानी कि ज़्यादा बल्क बनाना है तो आप क्या यूज़ करते हैं, बेस। ये क्या करता है, इट डिटरमाइंस द करेक्टर ऑफ अ पेंट एंड इम्पार्ट ड्यूरेबिलिटी, ये पेंट किस टाइप का है वो बताता है, और दूसरी बात ड्यूरेबिलिटी बताता है सरफेस की जो कि आप पेंट कर रहे हैं। क्लियर है? यानी कि पेंट जिस सरफेस पे कर रहे हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी को भी बढ़ा देगा स्ट्रक्चर की। सपोज स्ट्रक्चर कुछ टाइम तक चलने वाला था वो उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम तक चलेगा बेस की वजह से, और ये रिड्यूस कर देता है श्रिंकेज, क्रैक्स फॉर्म्स ऑन ड्राइंग। जब ड्राई करते हैं, पेंट ड्राई होता है तो ये जो भी श्रिंकेज क्रैक्स आने वाले होते हैं उनको रिड्यूस कर देता है। इट ऑल्सो फॉर्म एन ओपैक लेयर, ये ओपैक मतलब होता है नॉन ट्रांसपेरेंट, ना दिखने वाली लेयर प्रोवाइड करता है टू ऑब्सक्योर दी सरफेस द मटेरियल टू बी पेंटेड, जिस पर आप मटेरियल जो है जिस मटेरियल पे या जिस सरफेस पर आप पेंट करने वाले हैं वहाँ पर एक नॉन ट्रांसपेरेंट लेयर प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जो बेस के लिए एग्जाम्पल आप यूज़ करते हैं वाइट लेड एंड जिंक ऑक्साइड, ये एज अ बेस यूज़ करते हैं पेंट में। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है व्हीकल, व्हीकल या करियर, इसका काम क्या है, ये लिक्विड सब्सटेंस होता है जो कि इंग्रेडिएंट्स को लिक्विड सस्पेंशन में होल्ड करके रखता है, यानी लिक्विड फॉर्म में मेंटेन करके रखता है व्हीकल, जो कि दो रीजंस के लिए यूज़ करते हैं मेनली। पहला, टू मेक इट्स पॉसिबल टू स्प्रे द पेंट इवनली एंड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ थिन लेयर, मींस लिक्विड सस्पेंशन में यानी लिक्विड फॉर्म में होल्ड करके रखेगा तो क्या होगा कि ये इम्पॉसिबल बना देता है स्प्रे करना, स्प्रे करके पेंट को, कि वो इवनली और यूनिफॉर्मली सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो सके, यानी सरफेस पर पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली अप्लाई हो सके। दूसरा काम क्या होता है, टू प्रोवाइड अ बाइंडर फॉर द इंग्रेडिएंट टू अ पेंट सो दैट दे मे स्टिक और एडियर, यानी कि एज अ बाइंडर भी काम करता है जिससे कि ये सरफेस पर पेंट को क्या कर सके, स्टिक कर सके या एडियर मींस चिपका के रख सके। क्लियर है? तो व्हीकल का काम है जब आप अप्लाई करते हो सरफेस पे पेंट तो ये उसको ईजिली जो है वो चिपका ले सरफेस पे पेंट, उसका भी काम करता है।
नेक्स्ट है ड्रायर, आप जानते हैं सुखाने के लिए पेंट को यूज़ करते हैं, ये क्या करेगा, एक्सेलरेट दी प्रोसेस ऑफ ड्राइंग, सुखाने के प्रोसेस को बहुत तेज़ी से बढ़ा देगा अगर यूज़ कर लिया आपने। ये ड्रायर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को एयर से और इसको ट्रांसफ़र कर देता है लिंसीड ऑयल में, यानी लिंसीड ऑयल को ट्रांसफ़र कर देगा और लिंसीड ऑयल के थ्रू क्या होगा, फाइनली पेंट ईजिली ड्राई हो जाएगा, जिसकी वजह से विच इन टर्न गेट्स हार्ड एंड, जल्दी से जल्दी हार्ड हो जाएगा। तो ड्रायर जो कंपाउंड्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, जैसे कि कोबाल्ट हो गया, लेड है, मैग्नीज है, एक्सेप्ट्रा, ये सब क्या है, ड्रायर्स के रूप में यूज़ करते हैं, डिजॉल्व इन लिंसीड ऑयल और सम अदर वॉलेटाइल लिक्विड जो भी होंगे वो सब लिंसीड ऑयल इनमें क्या होंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। इनका कुछ मेन फॉलोइंग पर्पस रहता है, पहली बात तो इनकी वजह से क्या होगा, जो पेंट की कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, पेंट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, पेंट का वेट मॉडिफाई हो जाएगा और श्रिंकेज और क्रैकिंग से भी ये प्रिवेंट कर लेता है। कलरिंग पिगमेंट क्या होता है कि अगर आपको पेंट में कुछ कलर देना है आप उसको यूज़ कर सकते हैं कलरिंग पिगमेंट को, व्हेन इट इज़ डिजायर टू हैव डिफरेंट कलर, अगर आप अलग अलग टाइप के कलर देना चाहते हैं देन द बेस ऑफ अ पेंट अ कलरिंग पिगमेंट इज़ टू बी एडेड। क्लियर है, तो आप देन THN यानी कि जो बेस आप अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट लेयर, तो उससे अगर डिफरेंट कलर आपको पेंट का अलग देना है तो आप कलरिंग पिगमेंट डाल देते हैं। पिगमेंट जो अवेलेबल होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइन पाउडर्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं इन वेरियस कलर्स एंड क्वालिटीज़, अलग अलग कलर्स में अलग अलग क्वालिटीज़ में ये अवेलेबल होते हैं। फॉलोइंग आर फाइव डिविजन्स ऑफ कलरिंग पिगमेंट, कुछ फाइव डिविजन्स हैं, जैसे कि नेचुरल अर्थ कलर अगर आपको अप्लाई करना है, जैसे कि सच एज ऑचरेस, अम्बर, आयरन ऑक्साइड, ये सब नेचुरल अर्थ कलर देते हैं। कैल्साइन कलर अगर आपको देना है चूना टाइप, तो एज ए लैम्प ब्लैक हो गया, इंडियन रेड है, कार्बन ब्लैक, रेड लेड एक्सेट्रा, ये सब दे देंगे। प्रेसिपिटेट्स सच एज प्रूशियन ब्लू, क्रोम ग्रीन, क्रोम येलो, इस टाइप के कलर देने, ये यूज़ कर सकते हैं। लेक्स प्रिपेयर्ड बाई डिसकलरिंग बार्ट्रीट और चाइना क्ले विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल डाइज, यानी कि इनका यूज़ कर सकते हैं, चाइना क्ले वगैरह है, विद द हेल्प ऑफ सुइटेबल कुछ डाई वगैरह कलर का यूज़ करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेटल पाउडर है, ये डिफरेंट कलर देते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम पाउडर हो गया, ब्रोंज पाउडर, कॉपर पाउडर, जिंक पाउडर एक्सेट्रा, ये डिफरेंट डिफरेंट कलरिंग पिगमेंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का काम क्या है, सॉल्वेंट बोल सकते हैं थिनर, यानी कि ये पेंट को पतला करने का काम करता है। द फंक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट इज़ टू मेक द पेंट थिन, जिससे पेंट को थिन रहे, सो दैट जिससे ये ईजिली अप्लाई कर सकें। क्लियर है, इट ऑल्सो हेल्प्स द पेंट इन पेनिट्रेटिंग थ्रू द पोरस सरफेस, यानी पोरस सरफेस में भी पेनिट्रेट करने में ईजिली हेल्प करता है। द मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट क्या है, स्प्रिट ऑफ टर्पेंटाइन, जो टर्पेंटाइन है ये मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट है। वहीं अगर आप बात करें व्हीकल की, तो व्हीकल में जो एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो लिंसीड ऑयल और टंग ऑयल, ये कैसे हैं, ये व्हीकल के रूप में यूज़ करते हैं जो इजीली स्टिक कर सकते हैं सरफेस पे, लिंसीड ऑयल एंड टर्पेंटाइन ऑयल। क्लियर, तो ये एज अ व्हीकल वर्क करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए वार्निश। वार्निश क्या होता है, द टर्म वार्निश इज यूज टू इंडिकेट द सोल्यूशंस ऑफ रेजिन्स और रेजिनस सब्सटेंसेस प्रिपेयर्ड आइदर इन एल्कोहल ऑयल और टर्पेंटाइन, यानी कि क्या है, वार्निश का काम भी लगभग वही है जो पेंट का है, बट ये क्या है, ये ओपैक, ये ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन देता है, वो ओपैक सोल्यूशन ही नॉन ट्रांसपेरेंट देता है। वार्निश क्या करता है, ये सोल्यूशन होता है रेजिन और रेजिनस सब्सटेंसेस, जो चिपचिपे सब्सटेंसेस होते हैं उनका सोल्यूशन होता है, जो कि अल्कोहल या ऑयल या टर्पेंटाइन में प्रिपेयर किया जाता है। तो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, क्या है, रेजिन्स या रेजिनस सब्सटेंसेस, ड्रायर्स, सॉल्वेंट्स, देख लीजिए रेजिन्स और रेजिनस सब्सटेंसेस क्या हैं, कि जो कॉमनली यूज रेजिन्स जो यूज़ करते हैं, जैसे कोपल है, लैक है, शैलेक है और रोजिन है। तो कोपल इज़ अ हार्ड सब्सटेंस एंड इज़ अवेलेबल फ्रॉम द अर्थ एट प्लेसेस, यानी कि ये एक हार्ड सब्सटेंस होता है और ये अर्थ से अवेलेबल होता है, यानी अर्थ से निकालते हैं आप इसको, यूज़ करते हैं वहाँ जहाँ पाइन ट्रीज पहले एग्जिस्ट कर चुके हैं, जहाँ पर पहले पाइन ट्रीज थे, तो उस अर्थ में ये रोजिन्स पाए जाते हैं, ये कोपल पाया जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ फॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी में अवेलेबल होते हैं। लैक और शैलेक जैसे हो गया, इज़ ऑप्टेन बाय एक्सुडेशन ऑफ सम टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, ये कुछ टाइप के इंसेक्ट्स के एक्सुडेशन से ऑप्टेंड होते हैं, जो भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं मर जाते हैं, उसके बाद उनसे जो ऑब्टेंड होता है वो लैक और शैलक होता है।
तो रोजिन जो ऑप्टेन करते हैं वो पाइन ट्रीज से होता है, पाइन ट्रीज से ऑप्टेन होता है। और भी रेजिन्स हैं जैसे कि एम्बर है, मैस्टिक है, गम डामर एक्सेट्रा, ये सब रेजिन्स यूज़ किए जाते हैं वार्निश को बनाने के लिए। ड्रायर जानते हैं सुखाने का काम करता है, जो भी ड्राइंग का प्रोसेस है उसको तेज़ी से कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है। तो जो मेनली कॉमन ड्रायर है वो तो लिथार्ज है, वाइट कॉपर, लेड एसीटेट, ये सब एज अ ड्रायर यूज़ करते हैं। सॉल्वेंट्स, सॉल्वेंट्स क्या करते हैं, वही थिन होते हैं, थिनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ रेजिन, तो रेजिन कैसा यूज़ किया है उसी के अकॉर्डिंग आप सॉल्वेंट को डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर आपने रेजिन एम्बर या कोपल यूज़ किया है तो आप सॉल्वेंट कौन सा यूज़ करेंगे, बॉयल्ड लिंसीड ऑयल। अगर आप लैक या शैलेक यूज़ करते हैं रेजिन तो मिथाइलेटेड स्प्रिट ऑफ वाइन यूज़ करेंगे। अगर आप मैस्टिक, गम डामर या रोजिन यूज़ करते हैं एज अ रेजिन तो आप टर्पेंटाइन यूज़ करेंगे एज अ सॉल्वेंट। चीफ वेराइटीज़ ऑफ रेजिन्स, अगर कुछ चीफ वेराइटी के रेजिन्स यूज़ कर रहे हैं तो आप वुड नैप्था एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वार्निश के टाइप्स देखें तो ये सॉल्वेंट पर डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी सॉल्वेंट। तो वार्निश को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे कि ऑयल वार्निश, स्प्रिट वार्निश, टर्पेंटाइन वार्निश, वाटर वार्निश। जैसा सॉल्वेंट है उसी को वैसा नाम दे दिया। अगर ऑयल वार्निश है तो इसमें आप ऑयल यूज़ कर रहे हैं, वॉइल्ड लिंसीड ऑयल। स्प्रिट वार्निश है तो स्प्रिट यूज़ कर रहे हैं, मिथाइलेटेड स्प्रिट। टर्पेंटाइन वार्निश है तो आप टर्पेंटाइन सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, और वाटर वार्निश है तो आप वाटर सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं। देख लीजिए ऑयल वार्निश क्या है, तो इसमें क्या यूज़ करेंगे, सॉल्वेंट जैसा होगा वैसे ही आपने नाम दे रखा है। तो अगर आपने सॉल्वेंट लिंसीड ऑयल यूज़ किया है तो बॉयल्ड लिंसीड ऑयल है, इसीलिए इसको क्या कह दिया, ऑयल वार्निश। तो बॉयल्ड लिंसीड ऑयल इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट इन दिस टाइप ऑफ वार्निश। तो जो रेजिन्स हैं, अब आपको पता है कि इस वॉयल सॉल्वेंट के साथ कौन सा रेजिन यूज़ किया गया, एम्बर या कोपल। तो देख लीजिए कि इसमें क्या यूज़ करेंगे, एम्बर और कोपल एज अ रेजिन यूज़ करेंगे, आर डिजॉल्व इन लिंसीड ऑयल। अगर वार्निश जो है वर्केबल नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, कुछ स्मॉल क्वांटिटी में टर्पेंटाइन ऐड कर देंगे। तो द ऑयल वार्निश ड्राई स्लोली बट दे फॉर्म हार्ड एंड ड्यूरेबल सरफेस। ये स्लोली ड्राई हो रहा है, सूख तो धीरे धीरे है, लेकिन हार्ड और ड्यूरेबल सरफेस देता है। इन फैक्ट दीज आर दी हार्डेस्ट एंड मोस्ट सुइटेबल वार्निश। ये सबसे ज़्यादा सुइटेबल वार्निश है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। ये जो स्पेशली अडॉप्ट किया जाता है एक्सपोज वर्क में विच रिक्वायर फ्रीक्वेंट क्लीनिंग, जहाँ फ्रीक्वेंट क्लीनिंग चाहिए होती है, जैसे कि कोचेस वगैरह होते हैं, आप वहाँ पर जल्दी जल्दी क्लीन डेली क्लीन करने होते हैं कोचेस ट्रेन के, तो वहाँ पर आप इस टाइप की वार्निश यूज़ करते हैं जिससे ऐसा ना हो कि रिमूव हो जाए जल्दी। या फिटिंग्स इन हाउसेज वगैरह में, जो फिटिंग्स वगैरह होती हैं उनमें आप ऑयल वार्निश का यूज़ करते हैं। स्प्रिट वार्निश, स्प्रिट में आप सॉल्वेंट क्या यूज़ करेंगे, मिथाइलेटेड स्प्रिट ऑफ वाइन आर यूज एज ए सॉल्वेंट इन दिस टाइप ऑफ वार्निश। और रेजिन्स क्या यूज़ करेंगे, सॉफ्ट वेराइटी का, जैसे लैक और शैलेक। तो जो स्प्रिट वार्निश होती है ड्राई क्विकली, ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, इसीलिए ड्यूरेबल नहीं होगी। जो जितना स्लोली ड्राई होगा वो उतना ही ज़्यादा ड्यूरेबल होगा, बट दे आर नॉट ड्यूरेबल एंड ईजली अफेक्टेड बाई वेदरिंग एक्शन। कोई भी वेदरिंग एक्शन हुआ या बारिश हो गई या कुछ भी इन्वायरमेंटल टेम्परेचर चेंजेस हुए, उसकी वजह से क्या होगा, ये इफेक्ट हो जाएगी। दे आर जनरली यूज फॉर फर्नीचर। आप देखते हैं फर्नीचर में जो आप वार्निश यूज़ करते हैं बहुत जल्दी छूट जाती है, इसीलिए वो ड्यूरेबल नहीं होती ज़्यादा टाइम तक। फ्रेंच पॉलिश इज़ अ वेराइटी ऑफ दिस क्लास ऑफ वार्निश। फ्रेंच पॉलिश आपने सुना होगा नाम, ये भी स्प्रिट वार्निश ही है एक टाइप की। एंड डिजायर्ड कलरिंग टिंग कैन बी ऑप्टेन बाई एडिशन ऑफ सुइटेबल कलरिंग पिगमेंट। जो भी डिज़ायर्ड कलर अगर ऑप्टेन आपको करना है, जिस कलर की बनानी है, उसको कलरिंग पिगमेंट के साथ आप क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। फ्रेंच पॉलिश इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पॉलिश, फाइनेस्ट फिनिश देती है, जिसको आप ऑर्नामेंटल फर्नीचर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ वुड के लिए यूज़ कर लेते हैं। टर्पेंटाइन वार्निश, टर्पेंटाइन वार्निश क्या होती है, टर्पेंटाइन वार्निश इज़ यूज एज अ सॉल्वेंट इन दिस टाइप ऑफ वार्निश। अब इसमें एज अ सॉल्वेंट आप टर्पेंटाइन यूज़ करेंगे। तो रेजिन्स जो अडॉप्ट करते हैं वो सॉफ्ट वेराइटीज़ के होते हैं, जैसे गम डामर, मैस्टिक, रोजिन एक्सेट्रा। तो ये जो वार्निश होती है बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, पजस लाइट कलर, लाइट कलर देती है, ये ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होगी क्योंकि बहुत जल्दी ड्राई हो रही है। एंड टफ एज ऑयल वार्निश, ऑयल वार्निश की तरह बट टफ है। वाटर वार्निश, वाटर वार्निश में आप क्या करेंगे, हॉट वाटर का यूज़ करेंगे। शैलेक क्या है, एक टाइप का ये रेजिन है, ये डिजॉल्व हो जाता है हॉट वाटर में, इनफ क्वांटिटी ऑफ
आइदर अमोनिया, बोरेक्स, पोटाश, सोडा इज एडेड सच दैट शेलेक इज डिजॉल्व, या फिर कुछ क्वांटिटी में ये डाल देते हैं जिससे कि शेलेक में डिजॉल्व हो सके। दीज वार्निश आर यूज फॉर वार्निशिंग, मैप वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, पिक्चर्स एक्सेट्रा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज फॉर डेलीकेट इंटरनल वर्क एंड एज कवरिंग फॉर वॉलपेपर वगैरह बनाने के लिए, जो है इंटरनल वर्क के लिए जो भी आप डेलीकेट करते हैं वहाँ पर आप वाटर वार्निश को यूज़ कर लेते हैं। तो ये हो गई चार टाइप की वार्निश डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट पर डिपेंड करती हैं इस टाइप की वार्निश, इनके नाम भी सॉल्वेंट पर रखे जाते हैं कि जो सॉल्वेंट आप यूज़ कर रहे हो उस टाइप की वार्निश का नाम वही रहेगा। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है स्टोन्स। स्टोन्स जो हैं रॉक्स से ऑब्टेन होते हैं। तो आप जानते हैं कि रॉक को तीन टाइप से क्लासीफाई करते हैं, जियोलॉजिकल क्लासीफिकेशन, फिजिकल क्लासीफिकेशन एंड केमिकल क्लासीफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासीफिकेशन को आप डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर है? और इग्नियस रॉक को भी आप तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, प्लूटोनिक रॉक, हाइपरबेसल रॉक एंड वॉल्केनिक रॉक। तो जो इग्नियस रॉक होती है, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक, इग्नियस रॉक में आप देखेंगे जो स्ट्रक्चर होगा वो ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होगा, ग्रेन्स टाइप रहेंगे। सेडिमेंट्री रॉक में देखेंगे आप स्ट्रेटा फॉर्म में होंगे, लेयर्स वगैरह की फॉर्म में होंगे। और मेटामॉर्फिक रॉक में लेयर्स तो होती हैं बट ट्विस्टेड लेयर्स होती हैं, इनको कहते हैं फॉलिएटेड स्ट्रक्चर। फॉलिएटेड मतलब होता है कि लेयर्स की फॉर्म में है बट लेयर्स स्ट्रेट नहीं है। क्लियर है? स्ट्रेटा की फॉर्म में नहीं है, इस टाइप की लेयर्स होती हैं, ये कहलाती है मेटामॉर्फिक रॉक। अब आपको पता होगा कि इग्नियस रॉक क्या होती है। इग्नियस रॉक का मतलब है कि जब लावा फॉर्म हुआ, लावा या मैग्मा निकला और वो कूल होके सॉलिडिफाई हो गया, कूल होके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, तो फाइनली आपको किस टाइप की रॉक मिल गई? इग्नियस रॉक। तो आप देखते हैं जैसे कि सपोज ये है इग्नियस रॉक, तो ये इग्नियस रॉक कैसे फॉर्म हुई? लावा बना या मैग्मा बना और ये फाइनली कूल होके सॉलिडिफाई हो गया, तो फाइनली आपको इग्नियस रॉक ऑब्टेंड हो गई। इग्नियस रॉक दो टाइप की होती है। जैसे सपोज ये अर्थ सरफेस है, तो जो रॉक अर्थ सर जो लावा जो है वो अबव द अर्थ सरफेस फॉर्म हो रहा है, यानी अर्थ सरफेस से ऊपर फॉर्म होके कूल होके सॉलिडिफाई हो रहा है, तो इस टाइप की रॉक को आप कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्लियर है? और जो लावा या मैग्मा बिलो द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस के नीचे फॉर्म होके कूल होके सॉलिडिफाई हो रहा है, उस टाइप की रॉक को आप क्या कहते हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक यानी जो अबव द अर्थ सरफेस फॉर्म हो रहा है उसको आप एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं, जो बिलो द अर्थ सरफेस फॉर्म होता है उसको आप क्या कहते हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो जो लावा जो है वो अबव द अर्थ सरफेस फॉर्म होके कूल होके सॉलिडिफाई हो रहा है, तो उस टाइप की रॉक को आप कहते हैं वॉल्केनिक रॉक्स। क्लियर? यानी कि वॉल्केनिक रॉक को आप क्या कह सकते हैं? इस एक टाइप की एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो वॉल्केनिक रॉक है इसको आप बोल सकते हैं ये एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। क्लियर है? अब जो लावा फॉर्म होके बिलो द अर्थ सरफेस फॉर्म होके एक सर्टेन डेप्थ पर, ये आप डेप्थ देख रहे हैं, यहाँ पर फॉर्म होके कूल होके सॉलिडिफाई हो रहा है, तो इस टाइप की रॉक को कहते हैं प्लूटोनिक इग्नियस रॉक। तो क्या प्लूटोनिक इग्नियस रॉक को आप कह सकते हैं एक टाइप की इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है? यानी कि प्लूटोनिक रॉक जो है इसको आप कह सकते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब देखते हैं हाइपरबेसल रॉक। जो लावा बिलो द अर्थ सरफेस फॉर्म हो रहा है बट एक शैलो डेप्थ पे, थोड़ी कम डेप्थ पे फॉर्म होके कूल होके सॉलिडिफाई हो रहा है, तो इस टाइप की रॉक को आप कहते हैं हाइपरबेसल रॉक। क्लियर है? तो आप कह सकते हैं कि हाइपरबेसल रॉक भी एक टाइप की आपकी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है।
तो जो प्लूटोनिक रॉक है वो अगर आप देखें तो प्लूटोनिक रॉक में इसका एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं तो प्लूटोनिक रॉक का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। वही हाइपरबेसल रॉक का एग्जाम्पल है डोलराइट, और वॉल्केनिक रॉक का एग्जाम्पल है बसाल्ट। ये सब क्या है, एक टाइप की इग्नियस रॉक ही हैं, बट अलग अलग एग्जाम्पल हैं क्योंकि अलग अलग टाइप की रॉक हैं, इंट्रूसिव हैं कुछ, एक्सट्रूसिव हैं। तो क्या होता है कि ये जो रॉक्स हैं, आप देखिएगा ध्यान से, स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा कि जो रॉक अबव द अर्थ सरफेस लावा फॉर्म होके कूल होके सॉलिडिफाई होके रॉक बन रही है, तो वो रॉक कैसी है, वॉल्केनिक या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। लेकिन जब रॉक अबव द अर्थ सरफेस फॉर्म हो रही है, यानी कि जो लावा है वो अबव द अर्थ सरफेस फॉर्म हो रहा है, तो आप जान रहे हैं ऊपर एयर का भी कांटेक्ट है, प्रॉपर टेम्परेचर भी है, तो यहाँ पर जो रॉक बनती हैं यानी कि वो उनमें जो भी कूलिंग होती है वो फास्ट कूलिंग होगी क्योंकि बहुत जल्दी कूल हो जाएंगे। फाइनली जैसे जैसे लावा निकला वो कूल होते चले गए क्योंकि टेम्परेचर भी ज़्यादा है और फाइनली एयर का भी कांटेक्ट है, जल्दी से जल्दी सेट हो जाएगा, यानी फास्ट कूलिंग होगी। तो जैसे जैसे पार्टिकल्स निकले वैसे वैसे कूल होते गए, तो फाइनली इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा बनेगा, फाइन ग्रेन्ड। क्लियर है, यानी कि बहुत ज़्यादा फाइन होगा। अब वही अगर बिलो दी अर्थ सरफेस बात करें तो यहाँ पर कोई भी कांटेक्ट नहीं है, टेम्परेचर जो है वो क्या है, कम है। तो टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होगा, यहाँ की कूलिंग कैसी होगी, स्लो कूलिंग होगी। इसकी वजह से जो रॉक यहाँ पे बनेगी यानी कि धीरे धीरे कूल होंगे तो आपस में कॉन्टैक्ट में भी आते चले जाएंगे, तो उनका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, कोर्स हो जाएगा, कोर्स ग्रेंड हो जाएंगे, क्योंकि वो जैसे जैसे कूलिंग बहुत स्लो हो रही है तो पार्टिकल आपस में धीरे धीरे कांटेक्ट में आते जाएंगे, उनका साइज बढ़ता जाएगा, तो फाइनली जो स्ट्रक्चर बनेंगे कोर्स ग्रेंड बनेंगे। यानी कि अगर मैं कहूँ प्लूटोनिक रॉक और हाइपरबेसल रॉक, तो प्लूटोनिक रॉक तो और नीचे है यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, इसका टेम्परेचर कंपेरेटिवली इससे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कोर्सर पार्टिकल बनेंगे, इसमें थोड़े फाइन होंगे, और सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट पार्टिकल किस में होंगे, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में। क्लियर है, तो ये इग्नियस रॉक जो बनी फिर इसका क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, वेदरिंग हुई, ट्रांसपोर्ट हुए इग्नियस रॉक को, इनका नदियाँ या हवा या आइस के थ्रू क्या हुए, ये वेदरिंग हुई यानी ये टूटे, उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होके कहीं तो जाके डिपॉजिट होंगे, फिर इनका डिपॉजिशन हुआ, और डिपॉजिशन होने के बाद लेयर्स टू लेयर्स डिपॉजिट होते चले गए, तो कौन सी रॉक बन गई, सेडिमेंट्री रॉक। क्लियर है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, सेडिमेंट से बनती है, तो ये जो डिपॉजिशन होता है सेडिमेंट्स इकट्ठा करके लाते रहते हैं और लेयर्स की फॉर्म में डिपॉजिट होते रहते हैं, इस टाइप की रॉक बनती है सेडिमेंट्री रॉक। फिर इन सेडिमेंट्री रॉक या इग्नियस रॉक, इन दोनों के करेक्टर में जो चेंजेस हुए ड्यू टू इंटेंस हीट और प्रेशर, यानी बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर की वजह से फाइनली क्या हुआ, इनके करेक्टर में थोड़ा सा चेंज हो गया, तो ये जो करेक्टर में चेंजेस हुए तो कौन सी रॉक फॉर्म हो गई, मेटामॉर्फिक रॉक, और ये जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, मेटामॉर्फिज्म। क्लियर है, तो ये जो रॉक बनती है मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक काफ़ी साल बाद जो है धस जाती है, फिर से लावा फॉर्म होता है, फिर से कूल होता है, फिर इग्नियस रॉक बन जाती है। इस टाइप से ये जियोलॉजिकल साइकिल जो है वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है, और फाइनली रॉक्स जो हैं एक दूसरे से रॉक फॉर्म होती रहती है। तो ये है जियोलॉजिकल साइकिल। थ्योरी देख लीजिए, इग्नियस रॉक क्या है, द रॉक विच आर फॉर्म बाई कूलिंग एंड मैग्मा आर नोन एज इग्नियस रॉक। तो जो रॉक फॉर्म हो रही है बाई कूलिंग एंड और बाई कूलिंग ऑफ मैग्मा, मैग्मा के कूल होने से जो रॉक फॉर्म हो रही है वो क्या कहला रही है, इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक में टाइप्स हैं प्लूटोनिक रॉक, हाइपरबेसल रॉक एंड वॉल्केनिक रॉक। तो प्लूटोनिक रॉक क्या है, प्लूटोनिक रॉक जो है, प्लूटोनिक रॉक वो रॉक है जो फॉर्म्ड हो रही है मैग्मा के कूल होने से एट अ कंसिड्रेबल डेप्थ, यानी कि कुछ डेप्थ पर फॉर्म हो रही है अर्थ सरफेस से, तो इसलिए इस टाइप की रॉक क्या कहलाती है, प्लूटोनिक रॉक। तो इग्नियस रॉक्स जो हैं वो कॉमनली यूज्ड इन बिल्डिंग इंडस्ट्री, जो बिल्डिंग इंडस्ट्री में मेनली यूज़ करते हैं उस टाइप की रॉक, तो वो कौन सी होती है, प्लूटोनिक टाइप की होती है तो ये इग्नियस रॉक, लेकिन ये किस टाइप की इग्नियस रॉक है, जो कि बिल्डिंग इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं, प्लूटोनिक टाइप की है। क्लियर है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, ग्रेनाइट। हाइपरबेसल रॉक क्या है,
कि ये शैलो डेप्थ पे फॉर्म हो रही है ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा एट शैलो डेप्थ। तो जो शैलो डेप्थ पे और सरफेस से फॉर्म हो रही है वो हाइपा बेसल रॉक है। एग्जाम्पल क्या हो गया? डोलराइट। तो आप जानते हो कि जब हाइपा बेसल रॉक है तो फाइनली ग्रेन और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा। ध्यान रखिएगा कि दो टाइप की कूलिंग होती है, एक होती है स्लो कूलिंग और एक होती है फास्ट कूलिंग। क्लियर है? तो जब फास्ट कूलिंग जो होगी, हमेशा जो क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं वो स्लो कूलिंग से होते हैं। क्लियर है? और जो फास्ट कूलिंग से होते हैं वो ग्लास फॉर्म होते हैं, क्रिस्टल यानी नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स जो कहलाते हैं, यानी कि स्लो कूलिंग से हमेशा क्रिस्टल फॉर्म होंगे। तो आप जान रहे हैं कि जो स्लो कूलिंग है वो क्या है, जो बिलो द अर्थ सरफेस है वहीं तो स्लो कूलिंग है। इसका मतलब है कि ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देगा। वॉल्केनिक रॉक क्या है कि वॉल्केनिक रॉक जो है वो अर्थ सरफेस के अबव द अर्थ सरफेस जो मैग्मा पोर होके आ रहा है उसको सॉलिडिफाई होके जो रॉक बन रही है वो वॉल्केनिक रॉक है। ये एक्सट्रीमली फाइन ग्रेन होती है क्योंकि आप जानते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट कूलिंग है, बहुत जल्दी फाइन होते जाते हैं। एग्जाम्पल है बसाल्ट। नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक है सेडिमेंट्री रॉक। ये क्या होते हैं? ये जो प्रोडक्ट्स वेदरिंग से आते हैं, जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक है जैसे इग्नियस रॉक है, इनका वेदरिंग हुई यानी कि ब्रेक हुए पार्टिकल्स, उनके जो डिपोजिशन के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे ये रॉक फॉर्म होती है। जो फॉलोइंग फोर टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, जो होते हैं किस टाइप के अकर होते हैं, जैसे कि पहला रेसिडुअल डिपॉजिट। रेसिडुअल मतलब जहाँ से निकला वहीं जम गया, वहीं डिपॉजिट हो गया। सेडिमेंट्री हो गया यानी सेडिमेंट्स निकले और डिपॉजिट हो गए। केमिकली फॉर्म में जो होते हैं, केमिकल्स वगैरह के डिपॉजिट होते हैं वो हो जाते हैं, या ऑर्गेनिक जो डिपॉजिट होते हैं, इस टाइप के चार टाइप के डिपॉजिट होते हैं जिसकी वजह से सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होती है। एग्जाम्पल ग्रेबल हो गया, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, लिग्नाइट, ये सब क्या है? सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या है कि दीज रॉक्स जो हैं और फॉर्म बाई चेंज इन करेक्टर। जो भी प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, चाहे वो सेडिमेंट्री हो चाहे इग्नियस हो, उनके करेक्टर में जो चेंजेस हो रहे हैं उससे मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म हो रही है। जैसे कि इग्नियस या एज वेल एज सेडिमेंट्री रॉक्स आर चेंज इन करेक्टर। जब ये सब्जेक्ट किए जाते हैं यानी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर अप्लाई होता है तो इनके कुछ करेक्टर में चेंज हो जाते हैं। तो जो प्रोसेस होता है चेंज का वो मेटामॉर्फिज्म कहलाता है, और जो रॉक बनती है उसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो गया जेनिस। तो जो मेन थ्री एजेंट्स होते हैं मेटामॉर्फिज्म के, जैसे कि हीट हो गया, प्रेशर हो गया और केमिकली एक्टिंग फ्लूइड्स हो गए, इनकी वजह से इनके करेक्टर में कुछ चेंज हो जाता है और फाइनली मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आप जान रहे हैं, जियोलॉजिकल के बाद क्या है? फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकली आप देख के बताते हैं, अगर स्ट्रेटा की फॉर्म में, लेयर्स की फॉर्म में, तो किस टाइप की रॉक होगी? सेडिमेंट्री रॉक होगी। अनस्ट्रेटिफाइड यानी स्ट्रेटा कोई भी लेयर नहीं है, ग्रेन्ड हो गया तो इग्नियस रॉक हो गई। फॉलिएटेड आप जानते हैं किस टाइप की रॉक होती है? मेटामॉर्फिक रॉक। केमिकल क्लासिफिकेशन। तो जो केमिकल क्लासिफिकेशन होता है उसको साइंटिफिक या इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। इसको तीन टाइप से डिवाइड किया गया है, सिलिशियस रॉक, आर्जिलेशियस रॉक एंड कैल्शेरियस रॉक। ये दोनों आपको पता है कि सिलिशियस रॉक क्या होते हैं? वो रॉक जिसमें सिलिका जो है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट के रूप में होगी, यानी सबसे ज़्यादा परसेंटेज में क्या होगा? सिलिका प्रेजेंट होगी। उस टाइप की रॉक को कहते हैं सिलिशियस रॉक। जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया, टाइप की किस टाइप की रॉक है? सिलिशियस रॉक। आर्जिलेशियस का मतलब है जिसमें क्ले जो है वो मेजर परसेंटेज में हो, सिलिका मेजर परसेंट में ना हो बट क्ले ओवरऑल मेजर परसेंट में हो, उसको क्या कहेंगे? जैसे एग्जांपल हो गया स्लेट है, लेटराइट है, ये सब किस टाइप की रॉक है? आर्जिलेशियस रॉक। कैल्शेरियस का मतलब है इसमें कैल्शियम कंटेंट मेजर परसेंटेज में हो, जैसे कि लाइम स्टोन हो गया, मार्बल हो गया, इन सब में कैल्शियम जो है वो मेजर है, इसीलिए इस टाइप की रॉक को क्या कहते हैं? कैल्शेरियस रॉक। जो मेन क्वेश्चंस आते हैं वो पूछे जाते हैं एग्जांपल से कि ये बताइए इनमें से कौन सी रॉक जो है, किस टाइप की रॉक इग्नियस रॉक है, या इसमें कौन सी रॉक जो है सेडिमेंट्री है। तो आपको एग्जांपल्स ध्यान होने चाहिए, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए जिससे आपको ध्यान रहे। पहला रॉक कहलाता है ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन क्या होता है? ये एग्जाम्पल है, एक टाइप की इग्नियस रॉक है, ये एक वॉल्केनिक ग्लास है। तो आप जान रहे हैं कि किससे फॉर्म हो रहा है, यानी कि तीन टाइप की रॉक पड़ी थी, वॉल्केनिक रॉक हो गई, वॉल्केनिक ग्लास है विदाउट गैस बबल्स, इसमें विदाउट गैस बबल्स होते हैं, यूजली किस कलर में होते हैं? ब्लैक और डार्क ब्राउन इन कलर। तो ये हो गया ऑब्सीडियन। सेकेंड एग्जाम्पल आता है प्यूमिस, ये भी एक वॉल्केनिक ग्लास है बट ये विदाउट गैस बबल्स था और ये फिल्ड विद गैस बबल्स। तो अभी आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ये दोनों किस में आते हैं? ग्लासी स्ट्रक्चर में आते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए रायोलाइट। रायोलाइट क्या है
ये एक हाई सिलिका फाइन ग्रेन रॉक है। कलर्स जो है इसमें ग्रे, लाइट ब्राउन, पेल येलो, पिंक एंड अदर अर्थ कलर्स, इन कलर्स में ये पाए जाते हैं। एंडेसाइट, एंडेसाइट क्या है? एंडेसाइट SIT, एंडेसाइट जो है ये रायोलाइट और बसाल्ट की मीडियम प्रॉपर्टी है, मिडवे प्रॉपर्टी है, यानी मिडवे ऑफ रायोलाइट एंड बसाल्ट, मीडियम ब्राउन एंड मिडवे ऑफ रायोलाइट एंड बसाल्ट एंड इन मीडियम ब्राउन कलर। क्लियर है? तो बसाल्ट क्या है? अब ये क्या हो गया, आप जान रहे हो लाइट ब्राउन हो गया, ये मीडियम ब्राउन हो गया, और ये कैसा होगा, ब्लैक टू ब्राउन कलर, यानी डार्क ब्राउन कलर में होगा। ये रिच इन आयरन होता है। तो ये जो तीनों हैं आप देख रहे हैं, तीनों एक टाइप के स्ट्रक्चर में आते हैं, तीनों ही इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हैं, ये तीनों ही एफेंटिक स्ट्रक्चर में आते हैं। आगे आप पढ़ेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये एफेंटिक स्ट्रक्चर कहलाता है। इनमें आते हैं रायोलाइट, एंडेसाइट एंड बसाल्ट। तो जो एंडेसाइट है ये रायोलाइट और बसाल्ट की मिडवे प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या होता है? स्मॉल क्रिस्टल से बना है। तो क्रिस्टल्स हैं पिंक टू रेडिश कलर, यानी कि इनका कलर जो होता है पिंक टू रेडिश कलर होता है, मेड ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स, इनसे बने होते हैं। डायोराइट, डायोराइट क्या होता है? ये ग्रेनाइट और गैब्रो, इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी है। तो ये जो ग्रेनाइट होता है डायोराइट, ये इंटरमीडिएट यानी ग्रेनाइट और गैब्रो के बीच की प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इसको कहते हैं वाइट ग्रेनाइट। डायोराइट को वाइट ग्रेनाइट भी आप बोलते हैं। गैब्रो ये डार्क कलर का होता है। ये तीनों जो है एक टाइप के स्ट्रक्चर में आते हैं, आगे आप पढ़ेंगे, फैनरिटिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर है? तो ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो, ये तीन एक टाइप के स्ट्रक्चर में आ गए। रायोलाइट, एंडेसाइट, बसाल्ट, ये तीनों एक टाइप के एफेंटिक स्ट्रक्चर में आते हैं। पॉरफायरी, जहाँ वर्ड आ जाए इसका मतलब है मिक्स्ड ग्रेन, कोर्स और फाइन ग्रेन दोनों से मिलकर जो रॉक बनती है वो पॉरफायरी कहलाता है स्ट्रक्चर। पैग्माटाइट क्या होता है? पैग्माटाइट जो है वो कोर्सली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कहलाता है। तो कोर्सली क्रिस्टलाइन है, इसका मतलब है कि ये किस टाइप की रॉक है? ये एक टाइप की इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन रहा है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक स्लो कूलिंग से फॉर्म हो रहे हैं, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर। ये एग्जांपल पूछ लेते हैं कभी, पैग्माटाइट विच टाइप ऑफ रॉक, तो आपको ये तो पता है कि ये इग्नियस रॉक है। कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है कि ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, तो आपको पता होना चाहिए किस टाइप की रॉक है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेडिमेंट्री रॉक के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कॉन्ग्लोमेरेट, ये क्या होता है? राउंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं या पेबल्स होते हैं उनसे मिलकर बना होता है, सीमेंटेड टुगेदर, वो आपस में क्या होते हैं, सीमेंटेड हो जाते हैं, जम जाते हैं, जिसकी वजह से एक रॉक फॉर्म होती है, कॉन्ग्लोमेरेट। ब्रेशिया, ब्रेशिया क्या होता है? मेड अप ऑफ एंगुलर पार्टिकल्स, वो राउंडेड पार्टिकल्स से बन रहे हैं, ये एंगुलर पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं, जिनकी वजह से ये एग्जाम्पल बनता है, ये इस टाइप की रॉक बन जाती है। सैंड स्टोन, सैंड स्टोन क्या होता है? सैंड पार्टिकल से बनेगा, तो ये सैंड ग्रेन्स होते हैं सीमेंटेड टुगेदर इनटू सॉलिड स्टोन, जो सैंड ग्रेन्स हैं वो सॉलिड स्टोन में आपस में सीमेंटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से सैंड स्टोन बनता है। सिल्ट स्टोन क्या होता है? ये मेड फ्रॉम सिल्ट पार्टिकल से बनते हैं आपस में सीमेंटेड होने से। शेल, ये भी सिल्ट पार्टिकल से बनते हैं सीमेंटेड होने से, बट फाइनर इन साइज होते हैं, यानी कि ये सिल्ट स्टोन से कंपैरेटिवली फाइनर साइज में होंगे, हैं दोनों ही सिल्ट पार्टिकल से बन रहे हैं। हैलाइट क्या होता है कि जैसे कि सी वाटर है, कहीं पर सी वाटर आया, समुद्र का पानी, और वहाँ पर जो है वो क्लोज्ड हो गया, यानी कि वहाँ इकट्ठा हो गया और वहीं वापस नहीं जा पाया और वहीं पे इवेपोरेट हो गया, तो जो पार्टिकल्स बचे वो आपस में सीमेंटेड हो गए, जिसकी वजह से हैलाइट बनता है। ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, वाइट कलर में होता है। सेलेनाइट, सेलेनाइट क्या होता है? ये भी इवेपोरेट है सी वाटर का, लेकिन ये किससे बन रहा है? कैल्शियम सल्फेट, जो भी कैल्शियम सल्फेट जिप्सम है, जिस पूरा का पूरा जिप्सम जब कलेक्ट हो गया, एक सीमेंटेड हो गया, तो फाइनली सेलेनाइट बन गया। लाइमस्टोन आप जानते ही हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं, यानी कि जो कैल्शियम कार्बोनेट आपस में सीमेंटेड हो गया, इसको कैल्साइट भी कहते हैं, तो क्या बन जाता है? लाइमस्टोन। कोल या लिग्नाइट, ये क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक मैटर हैं वो फॉर्म कंपोज उनकी उनसे बनता है, ऑर्गेनिक मैटर और लिग्नाइट इन द फॉर्म ऑफ प्लांट फ्रेगमेंट्स, यानी कि जो प्लांट फ्रेगमेंट्स होते हैं बहुत साल तक ज़मीन में धस जाते हैं, उसके बाद कोल और लिग्नाइट जो इस टाइप की रॉक फॉर्म हो जाती हैं। तो ये एक टाइप की किस टाइप की रॉक है? सेडिमेंट्री रॉक। कुछ
मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जांपल हैं, देख लीजिए, जैसे कि है क्वार्ट्साइट। क्वार्ट्साइट एक टाइप की मेटामॉर्फिक रॉक है जो सैंडस्टोन से ड्राइव होती है, यानी सैंडस्टोन के करेक्टर में चेंज हो गई तो क्वार्ट्साइट बन गया। मार्बल ये लाइमस्टोन के करेक्टर में चेंज होने की वजह से बनती है, कम फ्रॉम लाइमस्टोन, लाइमस्टोन से ऑब्टेंड होती है। स्लेट ये एक टाइप की फाइन ग्रेन मेटामॉर्फिक रॉक है। फाइलाइट भी एक टाइप की फाइन ग्रेन मेटामॉर्फिक रॉक है। सिस्ट जो है एक टाइप की कोर्स ग्रेन मेटामॉर्फिक रॉक है। जेनिस मीडियम टू कोर्स ग्रेन मेटामॉर्फिक रॉक है। और लेटराइट जो है सिलिका लीच रॉक है। ये इस टाइप की सॉइल भी पड़ी होगी जिसमें सिलिका लीच हो जाती है, जो सॉइल बचती है उसको लेटराइट सॉइल कहते हैं, और जो इससे रॉक फॉर्म होती है वो क्या कहलाती है, लेटराइट रॉक। ये एक टाइप की मेटामॉर्फिक रॉक है। क्वेश्चन आ जाता है कन्वर्जन से, यानी जो ग्रेनुलाइट है ये किससे फॉर्म हो रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रेनुलाइट है एक टाइप की रॉक है, किस टाइप की रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। तो ये बसाल्ट से ऑब्टेंड हो रही है, बसाल्ट के करेक्टर में कुछ चेंज हो रहा है तो ग्रेनुलाइट बन रही है। और बसाल्ट किस टाइप की रॉक है, इग्नियस रॉक है। क्लियर है? तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ग्रेनुलाइट जो है वो किससे ऑब्टेंड हो रही है, कभी कभी तो एग्जाम्पल पूछ लेंगे बसाल्ट से, ऑप्शन में दे देंगे इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, इस टाइप के एग्जाम्पल्स पूछ लेंगे। तो जो मार्बल है वो किससे बन रहा है, लाइमस्टोन से। और मार्बल किस टाइप की रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है। लाइमस्टोन किस टाइप की रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक। क्वार्ट्साइट, क्वार्ट्साइट आप जानते हैं मेटामॉर्फिक रॉक है, ये किससे ऑब्टेंड हो रही है, सैंडस्टोन से, जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है। स्लेट, स्लेट जो है वो शेल या मड स्टोन से ऑब्टेंड होती है, ये एक टाइप की सेडिमेंट्री रॉक है। जेनिस मेटामॉर्फिक रॉक है, जो ग्रेनाइट से ऑब्टेंड हो रही है, वो किस टाइप की रॉक है, एक टाइप की इग्नियस रॉक है। देख लीजिए टेक्सचर या स्ट्रक्चर ऑफ रॉक, तो एक टाइप का कॉम्पैक्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, जो कि मार्वल हो गया, क्वार्ट्जाइट, इस टाइप के स्ट्रक्चर में आते हैं। कॉन्ग्लोमेरेट आप जानते हैं सेडिमेंट्री रॉक के स्ट्रक्चर में आएगा। फॉलिएटेड किस टाइप के है, मेटामॉर्फिक रॉक के स्ट्रक्चर में आता है। फैनरेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कोर्स ग्रेन्ड होता है, ये स्लो कूलिंग से ऑब्टेंड होता है। तो आप जान रहे हैं कि स्लो कूलिंग से ऑब्टेंड हो रहा है, यानी कि जो भी बिलो अर्थ सरफेस फॉर्म हो रहे हैं उस टाइप की रॉक हो रही है। तो ग्रेनाइट, डायोराइट और गैब्रो ये सब एग्जाम्पल हैं फैनरेटिक स्ट्रक्चर के, यानी कि आप जान रहे हैं किस टाइप की रॉक में आ रहे हैं, ये इग्नियस रॉक में तो आ रहे हैं, बट किस टाइप की रॉक है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, क्योंकि स्लो कूलिंग है। एफेंटिक स्ट्रक्चर जो होते हैं जिसमें फास्ट कूलिंग होती है, फाइन ग्रेन होते हैं, जब फास्ट कूलिंग होगी सारे पार्टिकल तुरंत के तुरंत सॉलिडिफाई हो जाएंगे, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, फाइन ग्रेन होगा। जैसे रायोलाइट, एंडेसाइट, बसाल्ट, ये सब वॉल्केनिक जो भी रॉक है, वॉल्केनिक रॉक के एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि एक किस टाइप की रॉक हो गई, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्लियर है? पोरफायरिटिक आप जानते हो मिक्स ग्रेन होती है, जब फाइन ग्रेन को मिक्स कर देते हैं कोर्स ग्रेन के साथ, जो रॉक फॉर्म होती है वो पोरफायरिटिक कहलाती है। ग्रैनुलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, एक ग्लासी स्ट्रक्चर होता है। ग्लासी में किस टाइप के एग्जांपल्स आ रहे थे, आपने पढ़ा था ऑब्सीडियन एंड प्यूमिस, ये जो है इग्नियस रॉक के एग्जांपल थे। तो ये ग्लासी स्ट्रक्चर में आते हैं। पोरस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, जो पोरस टाइप होता है। तो ये सब जो है रॉक के स्ट्रक्चर हैं मेनली। नेक्स्ट आता है क्वालिटीज़ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन, कुछ ऑप्शन में पूछ लेते हैं कि क्वालिटी से क्वेश्चन कि क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि 100 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से ज़्यादा होनी चाहिए, हमेशा इससे कम नहीं होनी चाहिए। मिनिमम क्रशिंग स्ट्रेंथ या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ स्टोन की कितनी होनी चाहिए, 100 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। अपीयरेंस, ड्यूरेबिलिटी, सफिशियंट हार्ड होना चाहिए, ये सब प्रॉपर्टी तो है, बट परसेंटेज वियर एंड टीयर, जो भी वियर एंड टीयर होता है, यानी कि आपस में जो टूट फूट हो जाती है स्टोन्स के बीच में, तो वो जो परसेंटेज है लोड अप्लाई होने पे, वो 3% से कम होनी चाहिए। क्लियर है? फायर को रजिस्ट कर सके, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 से ज़्यादा होनी चाहिए, वाटर एब्जॉर्प्शन 5% से कम होना चाहिए। अगर वही रिजेक्टेड की बात करें, अगर रिजेक्शन किस पे कर देंगे, यानी कि आप बिल्कुल यूज़ ही नहीं करेंगे, अगर ग्रेटर देन 15% है तो इस पर रिजेक्शन कर देंगे, बट ओवरऑल वाटर एब्जॉर्प्शन कितना होना चाहिए, 5% से कम होना चाहिए। टफनेस इंडेक्स जो है, जो इम्पैक्ट देते हैं उसके अंदर सफिशियंट टफनेस जो रेशियो है, वो इंडेक्स जो है वो 13:19 होना चाहिए। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, तो आपको ये पता होनी चाहिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू फ्रेंड्स।